हेलो अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी का। तो भाई साहब आज है 12 अगस्त और भाई बस दो दिन बाद है 15 अगस्त। और जैसा कि आप लोग को पता है भाई 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है न्यू महिंद्रा थार। और इस बार भाई साहब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि इस बार जो थार लॉन्च होने वाला है इतना तगड़ा बनाया है ना कि क्या ही बताऊँ भाई। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब दो दिन बाद भाई लॉन्च होने वाला है न्यू थार। वाओ। लेकिन भाई यार एक कंफ्यूजन है, पता नहीं यार हमारे बस्ती में 15 तारीख को मतलब महिंद्रा के शोरूम में न्यू थार आएगी या नहीं आएगी, ये कंफ्यूजन है। या फिर गोरखपुर आएगा या लखनऊ आएगा, कहाँ आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो हो सके कि आज हम कंफर्म कर लेंगे भाई कि न्यू महिंद्रा थार 15 तारीख को कहाँ आएगी, कौन से वाले शोरूम में भाई। क्योंकि हमारा सिटी आपको पता ही भाई, थोड़ा बस्ती सिटी थोड़ा छोटा है, तो उसी दिन आना शायद पॉसिबल नहीं है। तो अगर गोरखपुर भी आएगा तो हम लोग भाई गोरखपुर देखने जाएंगे भाई न्यू महिंद्रा थार। और भाई न्यू थार के लिए एक्साइटेड इसलिए इतना ज्यादा हूं ना क्योंकि आपको पता ही मैंने थार जो है बुकिंग करा दी है। तो भाई अभी न्यू थार लॉन्च हो रहा है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि न्यू जो थार आ रही है वो वाली बुक कर दे या फिर पुरानी वाली रहने दे। लेकिन भाई बिना देखे बुकिंग कराना अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई लॉन्च हो जाए, एक बार जाके देख ले, टेस्ट राइड ले लें और उसकी इंटीरियर वगैरह भी देख लेना, तो एक बार मतलब क्लियर हो जाए सब कुछ भाई। तो मतलब इसका वेट है बहुत बेसब्री से भाई। आप लोग भी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग न्यू थार के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं भाई, जो लॉन्च होने वाली है कमेंट में बताना भाई। और यहाँ पे देखो भाई साहब जीशान बहुत टाइम से भाई पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है जीशान, आज पढ़ाई कर रहा है बहुत टाइम से? होमवर्क नहीं कम्प्लीट था, एग्जाम से पहले मैं बोले थे कम्प्लीट कर लेना, एग्जाम भी चले गया तो बोले थे नेक्स्ट टाइम जब आना तो कम्प्लीट रहना चाहिए वरना मुर्गा बनाऊंगी। जीशान एक बात पता है कि नहीं? क्या? दो दिन बाद लॉन्च होने वाला न्यू महिंद्रा थार। हाँ वो तो मैं भूल ही गया था भाई साहब, ये याद रखूंगा भाई 15 अगस्त को न्यू थार आ रही है भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ उसको देख। लेकिन जीशान एक कंफ्यूजन है, पता नहीं अपने बस्ती सिटी में न्यू थार आएगी कि नहीं। नहीं आएगी तो गोरखपुर चलेंगे। कहीं गोरखपुर भी नहीं आई तो? आएगी गोरखपुर पक्का। चलो भाई जीशान भी भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड न्यू थार के लिए ना। यस। और भाई साहब कल के व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत ही जल्दी मैं जाने वाला हूँ मुंबई। तो मैंने आप लोगों से एक भाई क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कमेंट में बताना कि क्या मुझे मुंबई के वाटर पार्क में जाना चाहिए कि नहीं भाई, वाटर किंगडम में। तो सब लोग भाई बोल रहे कि यस आपको जाना चाहिए, लेकिन सब लोग बोल रहे कि जीशान को भी लेके जाना। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि जीशान का स्कूल चल रहा है ना, इसकी वजह से जीशान को लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है भाई। अभी स्कूल कैसे मिस कर सकता भाई, उसका स्कूल अगर छुट्टी होता तो जीशान को लेके जाते उसको भी वाटर पार्क, बट यही प्रॉब्लम है भाई। लेकिन भाई जब सब लोग बोल रहे हैं कि यस आप वाटर पार्क मुंबई वाले में जाओ पूरी टीम लेके, मतलब मैं जाऊंगा, इरफान जाएगा, तौफीक जाएगा, फर्रो, फैजान, सब लोग पूरी टीम बना के भाई पूरी गैंग जाएगा वाटर पार्क। और बहुत ही भाई खतरनाक वाला वाटर पार्क है वहाँ पे मुंबई में भाई, वाटर किंगडम जिसका नाम है। और भाई बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अभी तो आप मुंबई गए थे, आप मुंबई फिर क्यों जा रहे हैं? तो भाई मुंबई जाने का बहुत बड़ा रीज़न है, ये हम लोग को धीरे धीरे व्लॉग में पता चलेगा भाई। यस, अम्मा भी गई है मुंबई, हम भी जा रहे हैं, तो कुछ तो खास है भाई इसलिए जा रहे हैं। यस। और फिलहाल भाई साहब ये देखो शाम के 6 बज गए हैं और बाहर भाई साहब इतना खतरनाक वाला बारिश का मौसम बना है कि क्या ही बताओ भाई। ये देखो भाई साहब कितने काले काले बादल आए हैं भाई, कभी भी खतरनाक वाली बारिश हो सकती है भाई, बहुत ही खतरनाक बादल आए भाई। कंप्लीट हो गया होमवर्क। ये देख बाहर का मौसम, एक बार तगड़ा वाला बारिश वाला हुआ लग रहा है। हाँ जीशान बारिश होगी तो नहाएंगे। हाँ मैं भी वही प्लान बना रहा हूँ। जीशान क्या बोलता है, बाइक राइड पे चलें? चलो अगर बारिश होगी तो नहाएंगे वैसे। हाँ। हाँ? हाँ। चलो भाई अभी चलते हैं बाइक लेके बाहर। हम लोग आ गए भाई चाय पीने, बारिश के मौसम में चाय का अलग ही मजा आता है ना जीशान, वैसे भी अलग मजा। लेकिन भाई अभी बारिश तो स्टार्ट हुआ नहीं, हल्का हल्का बूंदाबांदी और था लेकिन भाई बारिश हो नहीं रहा है, तो हम लोग भाई अभी चाय पीने आए हैं, तो चलो फटाफट चाय पी। और
नमकीन भी मंगाया भाई। चलो भाई साहब फटाफट चाय भाई पी लिया है भाई, और बारिश तो भाई साहब आया ही नहीं यार, अभी भी मौसम वैसा ही है। जीशान क्या लगता है बारिश आएगा? लग तो नहीं रहा, पता नहीं क्यों, जो हम लोग चाहते हैं ना कि बारिश हो तब नहीं होता है, और जब नहीं चाहते तब बारिश अभी देखना जीशान अभी देखना जब रात हो जाएगा तब बारिश होगा। भाई साहब हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा पोपट हो गया, हम लोग सोचे थे कि बारिश होगी इसीलिए हम लोग बाइक लेके निकले, और बारिश हुई ही नहीं भाई साहब, थोड़ी भी बारिश नहीं, पोपट हो गया भाई। रात को बारिश होगी देखना, अभी नहीं हो। वो देखो भाई बादल आदल सारे खुलने लगे हैं भाई, लग रहा है बारिश नहीं होगी। क्या लग रहा है चाचू, बारिश होगी? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लग रहा है रात को फिलहाल। भाई साहब ये देखो घर पे हम लोग पहुंच गए हैं, और जीशान बोल रहा है कि यहाँ से जीशान बाइक लेके चलेगा अंदर घर में, मतलब जीशान वहाँ पार करेगा, कर लेगा ना? चल गियर में नहीं है ना, क्लच लिए रे, चालू कर, हाँ कर चालू। चल ले चल, अच्छा पागल पकड़ रहे हैं, जल्दी से उठा, ये तो गिरा दिया बाइक ही भाई, उठा। अरे पावा के ये देखो गिरा, उठा जल्दी। हॉर्न हॉर्न, ये देखो टेढ़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई नुकसान नहीं, संभाल ना पाओ तो पीछे पकड़े उसके बाद फिर छोड़ दिए। भाई मैं तो एकदम डर गया था, मैं समझा मेरे ऊपर बाइक गिरने वाली है, भाई अब तक चोट लग जाती है। तो तू संभाला क्यों नहीं जब तेरे साइड गिरने लगा? मैं समझा पीछे से पकड़े हो तो मैं ढीला छोड़ दिया, तो मैं समझा आप पकड़े हो, तो पता चला आप पकड़े ही नहीं हो, मेरे ऊपर ही बाइक गिर गई। भाई साहब बहुत खतरनाक गिराया बाइक जीशान, लेकिन बच गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ भाई। अब्बा ये देखो जीशान कांड कर दिया, मेरा बाइक गिरा दिया। उसको चलाने के लिए मत दो ना, चलाने नहीं, वो मांगा तब तो मैं लेके खड़ा करूंगा, इतना भारी गाड़ी उसको रोक पाएगा वो, तो गिरा तो देगा। उसको नहीं दो ना। फिलहाल भाई साहब हम आ चुके हैं घर पे, ये देखो भाई जीशान ने कांड कर दिया, बाइक मेरी जीशान ने गिरा दिया भाई, मतलब आगे लेके जा रहा था सही से, बल जब नीचे स्लोप आया ना तो बाइक का वेट सब अपने तरफ कर लिया, और मैं एक हाथ से मतलब मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से बाइक, तो भाई एक हाथ से मैं संभाल ही नहीं पाया, तो पूरी बाइक नीचे चली गई। अच्छा हुआ भाई कुछ टूटा उटा नहीं मेरे बाइक में भाई, बस हॉर्न थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। एक्चुअली भाई जीशान का बहुत ज़्यादा मन करता है ना कि मतलब बड़ी बाइक चलाने को, मतलब वो डर्ट बाइक वगैरह अपना चलाता ना, तो सोचता कि बड़ी बाइक भी संभाल लूंगा, लेकिन अभी भाई छोटा भी नहीं संभाल पाएगा भाई, गिर गया, मतलब चलो चोट भी नहीं लगा, बाइक भी कुछ नुकसान नहीं हुआ भाई। भाई साहब रात के 9 बज गए हैं और हमने खाना वाना खा लिया, और कल के ब्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगा भाई कि मैं कब मुंबई जाने वाला हूँ। यस मतलब बहुत जल्दी जाने वाला हूँ भाई, थोड़ी सी तैयारी वैयारी भी मुझे करनी है, उसके बाद निकलना है मुंबई के लिए, तो कल आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगा भाई। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी नेक्स्ट ब्लॉग बाय। और मेरे पास एक और प्लान है भाई कि अगर थार हमारे यहाँ पे नहीं आई तो मैं मुंबई वैसे भी जाने वाला हूँ, तो वहाँ भाई तौफीक सेठ के साथ चलेंगे थार देखने के लिए, क्योंकि भाई तौफीक को ना थोड़ी गाड़ियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ना, तो वो सही ऑप्शन मतलब बताएगा कि क्या लेना है क्या नहीं।